देखिए डेफिनेटली मोटी कमाई वाला ही शेयर चुना है मैंने, और आजकल जबकि मिड कैप के वैल्यूशन बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, तो इस बार मैंने फिर जो है लार्ज कैप में से जो है वैल्यू पिक चुनी है जो कि मल्टीवैगर हो सकती है, और ये स्टॉक है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर के नाम से कई लोग जो है वो सकपकाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि अमूमन लोग ये गलती करते हैं कि जिस समय नहीं लेना होता है शेयर उस समय एग्रेसिवली लेते हैं, जैसा कि इसके 8 साल पहले इसके IPO के समय हुआ था, जिस समय वैल्यूशन बहुत एग्रेसिव थे और कामकाज कुछ नहीं था, उस समय लोगों ने दबा के इस शेयर को लिया, और अब जबकि ये बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूशन पे अवेलेबल है और लेना चाहिए, उस समय लोग इसको नहीं ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये क्यों अट्रैक्टिव है, रिस्क रिवार्ड फैंटास्टिक है इस शेयर का। अगर मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी वॉलीटाइल कंडीशन में किसी भी पैनिक में ये शेयर अगर 10% गिर सकता है तो आने वाले 12 से 18 महीने में ये शेयर जो है 100% बढ़ सकता है। इस शेयर के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, कंपनी जो है एक बहुत बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है, और इसकी करंट कैपेसिटी करीब करीब जो है आप समझ लीजिए कि 5950 मेगावाट की इसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी है। साथ ही साथ इसके पास जो है वो सबसे बड़ा प्लांट है वो 3960 मेगावाट का शासन का प्लांट है जो कि कोल बेस्ड है और कोल माइंड लिंक्ड है उसकी पूरी की पूरी। इसके अलावा कंपनी जो है नए 2400 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगा रही है और 1000 मेगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी भी लगा रही है। ये सब लग जाएगी तो इसकी कैपेसिटी बढ़ के जो है वो 8000 मेगावाट के आसपास हो जाएगी। साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ इन्होंने एक टाई अप किया है 3000 मेगावाट की कैपेसिटी और लगाने का, और वो फेजेज में लगेगी, 4 फेजेज में। वो जब चालू होगी तो कैपेसिटी और बढ़ के करीब जो है वो यूँ समझ लीजिए 10000 मेगावाट से भी ऊपर हो जाएगी। तो ये कंपनी जो 2008 में जब IPO आया था और इसके पास कुछ नहीं था उस समय इसके वैल्यूशन बहुत एग्रेसिव थे, और आज इसके पास जब ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑलरेडी 5950 की है और साथ में 2 साल के अंदर ये 3400 मेगावाट की कैपेसिटी और चालू हो जाएगी, तो करीब करीब जो है इसकी 8-9 हज़ार मेगावाट की कैपेसिटी हो जाएगी। और ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी अभी 10000 करोड़ से ज़्यादा का, 10900 करोड़ का इसका कंसोलिडेटेड सेल्स था FY17 में और 1100 करोड़ का पैट था, 4 रुपये की अर्निंग थी, उसके कारण मैं समझता हूँ डाउनसाइड तो कुछ बनती नहीं है। और अब जो प्रोग्रेस हो रही है साथ ही साथ इकोनॉमी में हमारी जो ग्रोथ आ रही है उसके चलते पावर की डिमांड बढ़ रही है, पावर में यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ेंगे, और इन सब चीज़ों के चलते मैं समझता हूँ कि कंपनी की करंट ईयर की अर्निंग जो है 5.5 से 6 रुपये आएगी, और 2 साल बाद जबकि और भी एडिशनल कैपेसिटी चालू हो जाएगी और उसका बेनिफिट मिलेगा, तो 2 साल में मतलब कि 18-19 के अंदर इसकी अर्निंग जो है वो 8 रुपये के आसपास तक आ जाएगी। उसको देखते हुए बहुत आसानी से में 90 रुपये के आसपास पहुंच जाएगी और अर्निंग 8 रुपये पहुंच जाएगी, तो बहुत आसानी से जो है 80-85 तक के भाव इसके पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ ये कंपनी लगातार इफिशियंटली ऑपरेट कर रही है, अपना डेट जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, साथ ही साथ ये नई कैपेसिटीज और लगा रही है, प्रमोटर का होल्डिंग इसके अंदर 75% का है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। आज की तारीख में इसका मार्केट कैप जो है सिर्फ 12000 करोड़ का है, जबकि इसका कैश प्रॉफिट है वो 1800 करोड़ का है। तो 1800 करोड़ का कैश प्रॉफिट जनरेट जिसने कर दिया है 2017 में, उसका वैल्यूशन कम से कम जो है 18000 करोड़ तो होना चाहिए, तो 50% तो राइज इमीडिएटली मिलना चाहिए, और 12 महीने में मैं समझता हूँ इसको जो है डबल हो जाना चाहिए, और 5 साल अगर कोई रखता है तो मेरा व्यू ये है कि 5 साल का जो आगे का टारगेट है इनका 10000 मेगावाट से ऊपर की कैपेसिटी चालू हो जाएगी, तो ये आसानी से जो है 5 साल में 5 गुना तक भी हो सकता है। तो डेफिनेटली बाई एंड फॉरगेट। चलिए तो यहाँ पर आपने रिलायंस पावर जो